हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स का वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 1 हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो वो जाकर आप जरूर देखिए। मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो है क्लास 8 के उन स्टूडेंट्स के लिए जो DAV पब्लिकेशन से अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, और हमारे सामने क्वेश्चन है x^1/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, x^1/2 * x^5/2। तो आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जरूर याद होगा, मैं जरा रिकॉल कर दूं। x^m * x^n x^m+n, तो बस यही फॉर्मूला हमको पुट करना है। ये हो जाएगा x^1/2, और ये दोनों पावर इसके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ये बन जाएगा x^6/2। 6 और 6 2 का मल्टीपल है, सो 2 1 2 3 3, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे x^3। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब चलते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज 5x^5/6 × 6x^1/6। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक तो x है यानी कि वेरिएबल्स हैं, और दूसरा नंबर्स हैं। 5 और 6 यहाँ पे नंबर्स हैं। तो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये सजेस्ट करूँगा कि आप नंबर्स को नंबर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। नंबर्स को नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 × 6, एंड हम इसको ऐसे लिखेंगे x^5/6 × x^1/6। नंबर तो वैसे ही मल्टीप्लाई होंगे, 5 × 6 = 30, और यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा वही जो हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया है, x^m × x^n x^m+n। तो ये हो जाएगा x^5/6 + 1/6। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30 × x^6/6, और यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 = 6 1 = 6. सो वी कैन राइट 30x, 30x इज द आंसर। ओके, चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने x^6/5 एंड बाय x^1/5, राइट। और फिर से मैं आपको एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद दिला दूं, x^m डिवाइडेड बाई x^n x^m-n। ये सारे लॉ आपके लिए नए नहीं हैं, आपने क्लास 7th में भी ये सारे स्टडी किए। x^6/5 − 1/5, तो ये हो जाएगा x^5/5, 5 और 5 कैंसिल, सो दिस इज व्हाट x^1, और यू कैन राइट x, सो x इज द आंसर। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4th में। ओके, अच्छा मैंने जो अभी सॉल्व किया ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर स्किप कर दिया क्वेश्चन नंबर 3, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे अभी। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है x^7 × 0। सो फिर से मैं आपको एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद दिला दूं, दैट x^m → n होता है x^m × n। सो वी कैन राइट दिस एज x^7 × 0, 7 × 0 दैट इज 0, और आप सबको पता है a^0 = 1, सो इट्स फाइनल आंसर विल बी 1, x^0 = 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने x^-7/2 × 2x^-1/2। तो हम नंबर को अलग रखेंगे 2, और वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x^-7/2 × x^-1/2। फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, x^m × x^n x^m+n, तो हो जाएगा 2 × x^-7/2 + −1/2। सो वी कैन राइट 2 × x^-8/2, 2 1 = 2 4 = 2 × x^-4,
और हम देखिए क्योंकि पावर नेगेटिव है इसका, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे दैट x टू द पावर माइनस m इज व्हाट 1 बाई x टू द पावर m. सो वी कैन राइट दिस एज 2 बाई x टू द पावर 4 एंड दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है 512 माइनस 2/9. ऐसे कभी भी क्वेश्चन में हमको करना क्या है कि जैसे आपके सामने बेस है 512 आपके सामने बेस है और हम देखते हैं इसके पावर जो फ्रैक्शन में है उसका डिनोमिनेटर है 9. मतलब ये जो 512 है ये किसी न किसी नंबर का पावर 9 के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. शायद आपको मेरी बात समझ में ना ही हो तो हम इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. 512 को हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 2 से हो जाएगा 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. So you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you can see that 512 is 2 to the power 9. बस यही मैं आपको समझाना चाहता था. अब देखिए आप अंदर 2 की पावर भी 9 है और बाहर जो पावर है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो भी 9 है. बस इसी फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, यही पैटर्न हमको समझना है. अब हम इसमें लगा देते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट? दैट x टू द पावर m टू द पावर n इज व्हाट x टू द पावर m इनटू n. ये फॉर्मूला लगा देंगे और फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे. ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 इनटू माइनस 2/9. सो आप देखें डिनोमिनेटर में और ऊपर है 9, 9 कैंसिल, हमारे सामने आ गया 2 टू द पावर माइनस 2. अब इसमें एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होगा, x टू द पावर माइनस m इज 1 बाई x टू द पावर m. सो वी कैन राइट हियर 1 बाई स्क्वायर ऑफ 2 और वी कैन राइट 1 बाई 4 एंड 1 बाई 4 इज द आंसर. 1/4 इज द आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने 216 2/3 टू द पावर 1/2. 216 आपके लिए जाना पहचाना सा नंबर है और ये होता है 6 का क्यूब. सॉरी 206 क्यूब ऑफ 16 इज व्हाट 206 क्यूब इज 216. सो वी कैन राइट दिस एज 6 टू द पावर 3 टू द पावर 2/3 1/2. नाउ अगेन वी विल यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और मैं हर बार ये फॉर्मूले लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, x टू द पावर m टू द पावर n x टू द पावर m इंटू n. तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3 इंटू 2/3 और हमारा ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पावर है 1/2. यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 6 स्क्वायर 1 ये हो जाएगा 6 स्क्वायर और बाहर है 1/2. तो फिर से सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 2 इंटू 1/2 और 2 कैंसिल और हमारा फाइनल आंसर आ गया 6. राइट, तो अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले तो आप पॉज करके इसको बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं और मेरा तो आपको सजेशन है कि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 10 प्लस 8 टू द पावर माइनस 1/3. सो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है. राइट, सो 10 प्लस 2 इंटू, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. यस, मे बी शायद आपको पता हो, x टू द पावर m टू द पावर n इज व्हाट x टू द पावर m इंटू n और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू माइनस 1/3, तो 3 कैंसिल और हमारे सामने आंसर आ गया 10 प्लस 2 टू द पावर माइनस 1. अब पावर माइनस में है उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं. कैसे? फिर से एक लॉ लगेगा, x टू द पावर माइनस m 1/x टू द पावर m, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 1/2. अब इसको हम ऐड कर देते हैं और फ्रैक्शंस तो आपको ऐड करना आता है. LCM हो गया 2, 10 टू 20 प्लस 1, सो द आंसर इज 21/2.
ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। और फोर क्वेश्चन है हमारे पास 16^1/4। और अब आपको पता होगा 16 कैन बी रिटन, अगर आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये होगा 2^4। और फिर से हम सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी बहुत बार यूज कर लिया है, x^m x^m(n) तो जाएगा 2^4 × 1/4 कैंसिल और आंसर आ गया 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने 27^1/3 × 16^-1/4। और जैसा मैंने आपको बताया कि बेस को हमको कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर के पावर के फॉर्म में, तो 27 किसका क्यूब होता है क्या आपको मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, दिस इज क्यूब ऑफ 3। और 16 कैन बी रिटन एज 2^4। ओके सो सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, x^m (2^n) x^m(n). सो 3^3 × 1/3 एंड 2^4 × -1/4। सो 3 and 3 गॉट कैंसल, हियर 4 and 4 गॉट कैंसल, 3 × 2^-1। पावर नेगेटिव है, उसको फिर से हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो x^-m इज व्हाट? 1/x^m। सो 3/2 इज आवर फाइनल आंसर। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने 1/3^4 / 1/2 / -2। ओके सो x^m ब्रैकेट n x^m(n) और ये हो जाएगा 1/, अभी हम डिनोमिनेटर में ही सॉल्व कर रहे हैं, 3^4 × 1/2 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पावर है -2। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 1 जा 2 2 जा, सो आंसर आ गया हमारे पास 1/3² और ब्रैकेट के बाहर है -2। फिर से सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3^2 × -2। सो द आंसर विल बी 1/3^-4। और फिर से ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट x^-m इज 1/x^m, तो ये हो जाएगा आंसर आ गया हमारे पास 3^4, राइट। अब चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3^4 का आंसर होगा 81। ओके चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने 27^-2/3 × 81^5/4 1/3^-3। अब यहां पे हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3^3 लिख सकते हैं और ये हो गया -2/3। 84 को हम लिख सकते हैं 3^4 और इसके बाहर पावर हो गया 5/4। नीचे जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है x^-m इज व्हाट? x^m। तो 1/3^-3 हो जाएगा 3^3, करते हैं मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3^-2/3 × 3^4 × 5/4 / 3^3। यहाँ पे 3 और 3 गॉट कैंसल, 4 and 4 यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, तो हमारे सामने बचेगा 3^-2 × 3^5 / 3^3। अब अगेन इसमें हम एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, 3^-2 फिर से लिख देता हूँ, 3^5 / 3^3। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट x^m (x^n) x^3
m प्लस एन, तो यहां पे हो जाएगा 3 टू दी पावर माइनस 2 प्लस 5, इसका मतलब 3 टू दी पावर 3, और यहां पे भी है 3 टू दी पावर 3, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो इसके पावर आपस में माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 माइनस 3, मतलब ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 0, और इफ एनी नंबर हैव पावर 0 इट इज इक्वल टू 1, सो 3 टू दी पावर 0 इज व्हाट इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ चलते हैं इसके हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने 64 टू दी पावर 1 बाई 2 और ब्रैकेट में है 64 टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1. 64 किसका स्क्वायर होता है आप सबको पता है, यस इट इज स्क्वायर ऑफ 8, सो वी कैन राइट दिस एज स्क्वायर एंड दैट इज 1 बाई 2, और यहां पे हो जाएगा सेम 8 स्क्वायर 1 बाई 2, यहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस 1. ओके, तो अब ये फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, सो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे बच गया 8, और यहाँ बच गया 8 प्लस 1, सो 8 इंटू 8 प्लस 1 इज 9 एंड 8 9 इज 72, राइट. सो आपको दिखने में ये टफ लग सकता है पर है बहुत ईजी, अगर आपको लॉज याद है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करना है एंड क्वेश्चन विल बी सॉल्व. चलिए इसी के क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं. और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने 36 टू द पावर 7 बाई 2 माइनस 36 9 बाई 2 डिवाइडेड बाई 36 टू द पावर 5 बाई 2. ओके, थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान देना है, जैसे ये 36 टू द पावर 7 बाई 2 है, सो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये होता है 6 का स्क्वायर और ये हो गया 7 बाई 2, माइनस ये भी होता है 6 का स्क्वायर, इसका पावर 9 बाई 2 है, सॉरी. ओके, नीचे है ये भी 6 स्क्वायर और ये हो गया 5 बाई 2, सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्स टू दी पावर एम टू दी पावर एन इज व्हाट एक्स टू दी पावर एम इन टू एन, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 7 बाई 2 माइनस 6 स्क्वायर इंटू 9 बाई 2 और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 5 बाई 2. यहां पे देखिए 2 और 2 कैंसिल, यहां पे भी 2 और 2 कैंसिल, यहां पे भी 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे सामने आ जाएगा 6 टू दी पावर 7 6 टू दी पावर 7 माइनस 6 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई 6 टू दी पावर 5. तो क्या हम 6 टू दी पावर 7 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 टू दी पावर 5 इंटू 6 स्क्वायर, बात वही है, पावर ऐड होकर वो 6 टू दी पावर 7 हो जाएंगे, और 6 टू दी पावर 9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 टू दी पावर 5 इंटू 6 टू दी पावर 4. ओके राइट, इससे होगा क्या, इन दोनों टर्म्स में 6 टू दी पावर 5 हमारे पास आ जाएंगे कॉमन, अंदर बचेगा 6 स्क्वायर माइनस 6 टू दी पावर 4 और यहाँ पे बच गया 6 टू दी पावर 5. अब यहाँ पे क्या होगा, ये 6 टू दी पावर 5 और 6 टू दी पावर 5 हो जाएगा कैंसिल, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 टू दी पावर 4 यानी कि 36 इंटू 36 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1296. इसमें से हम माइनस कर देते हैं 36 एंड द आंसर विल बी माइनस 1260 एंड दिस इज द आंसर. चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 और ये है 4 इंटू 81 टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 81 टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 81 टू दी पावर 3 बाई 2. 81 किसका स्क्वायर होता है ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, और ये होता है 9, सो वी कैन राइट हियर स्क्वायर ऑफ 9 1 by 2 plus this is yes square of 9. So now we can solve with the same law of exponent जो अभी तक use कर रहे हैं, 9 2 into minus 1 by 2 9 to the power 2 into 1 by 2 plus 9 to the power 2 into 3 by 2. So ये 2 और 2 cancel, यहाँ भी 2 और 2 cancel, यहाँ पे भी 2 और 2 cancel,
बच गया हमारे पास 4 इंटू 9 टू दी पावर माइनस 1, यहाँ पे बच गया 9 प्लस 9 टू दी पावर 3, सो ये हो जाएगा 4 बाई 9। ऐसा आपको पता है पावर नेगेटिव है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 9 प्लस 9 टू दी पावर 3 होता है 729, और हम ऐड कर देंगे 729 प्लस 9 इज वॉट 700, एंड या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। ये हो जाएगा 4 बाई 9 और इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 9, सो 9 एंड 9 गेट कैंसिल, 4 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 81, सो 4 इंटू 82, एंड 4 इंटू 82 इज वॉट 328, सो दिस इज द फाइनल आंसर 328। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर है डेसिमल में, तो जब भी आपके पास नंबर डेसिमल में है तो मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 0.04 कैन बी रिटन एज 4/100। ओके नाउ अब हमको देखना है कि जो ब्रैकेट के बाहर पावर है उसका डिनोमिनेटर क्या है, उसका डिनोमिनेटर है 2, तो अब याद करिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, सो वी कैन राइट दिस एज 2 बाई स्क्वायर ऑफ 2 बाई 10, और ये तो हमारा ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो एज इट इज है। फॉर्मूला लगाते हैं x टू दी पावर m, ब्रैकेट के बाहर n हो जाएगा x टू दी पावर m इंटू n, सो ये हो जाएगा 2/10 2 इंटू 3/2, सो 2 गेट कैंसिल, और हमारे पास आ गया 2/10 टू दी पावर 3, सो 2 का क्यूब होता है 8 और 10 का क्यूब होता है 1000, और अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो ये हो जाएगा 0.008, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, और थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने 6.25 इंटू दी पावर 3/2। अच्छा फिर से मैंने बोला था आपको कि डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 625/100 टू दी पावर 3/2। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 होता है 25 का स्क्वायर, और 100 होता है 10 का स्क्वायर, सो वी कैन राइट दिस एज 25/10 स्क्वायर, और बाहर जो पावर है वो एज इट इज है यहाँ पे 3/2। फॉर्मूला लगा देंगे सेम x टू दी पावर m n हो जाएगा x टू दी पावर m इंटू n, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 25/10 इंटू 2 इंटू 3/2, और ये हो गया 2 और 2 कैंसिल, हमारे सामने आ गया 25/10 टू दी पावर 3, 25/10 कैन बी रिटन एज 2.5, और ये हो गया इसका पावर 3, तो अब याद करिए 25 इसका एक मिनट, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 25 का क्यूब क्या होता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 का क्यूब होता है 15625, और 10 का क्यूब होगा 1000, सो इट कैन बी रिटन एज 15.625, राइट। ओके चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 है 0.03125 टू दी पावर माइनस 2/5, सो अब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3125/1, 2, 3, 4, 5, राइट, देर आर 5 जीरोस माइनस 2/5, एंड 3125 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्योंकि आप समझ में नहीं आ रहा है कि किसका पावर होगा, और हमको किसी नंबर का पावर 5 है ये, तो हम इसको देखिए 5 से सॉल्व होगा ये, राइट, तो होगा 625 टाइम्स में, फिर 5 से हो जाएगा 125 टाइम्स में, फिर हो जाएगा 5 से 25 टाइम्स में, 5 5s एंड देन 5 1s, तो क्लियर है 3125 होता है 5 टू दी पावर 5, और ये तो 5 जीरोस है, मतलब ये हो गया 5/10 टू दी पावर 5, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है माइनस 2/5, राइट, सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, बहुत बार हम यूज़ कर रहे हैं, 5 इंटू माइनस 2/5, 5 और 5 गेट कैंसल, 5/10 मतलब हो जाएगा ये 0.5, या फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं क्योंकि ये पावर नेगेटिव है यानी कि ऐसा है 5 टू दी पावर माइनस 5/10 टू दी पावर माइनस 2 है आपके सामने,
तो हम इसमें लगा लेते हैं एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a बाई बी टू दी पावर माइनस m इज व्हाट b बाई a टू दी पावर m, तो इस लॉ से ही हो जाएगा 10 बाई 5 स्क्वायर, 5 वन जा 5 टू जा, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 4, राइट। चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन में, और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने 0.008 और टू दी पावर 2/3, सो वी कैन राइट दिस एज 8/1000 और ये हो गया 2/3। सो नाउ 8 इज क्यूब ऑफ व्हाट, 8 इज क्यूब ऑफ 2 एंड 1000 इज क्यूब ऑफ 10, सो वी कैन राइट 2/10 टू दी पावर 3 और यहां पे ब्रैकेट में हमारे पास 2/3, सो 2/10 3 इंटू 2/3 और ये हो गया 3 कैंसिल और हमारे सामने आ गया 2/10 का स्क्वायर, 2/10 यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर होगा 4 और 10 का स्क्वायर होगा 100, सो वी कैन राइट दिस एज 0.04 और ये हो गया इसका इवैल्यूएशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 और आपके सामने क्वेश्चन है 6² + 8² टू दी पावर 1/2, 6 का स्क्वायर क्या होता है आप सबको पता है दैट इज 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64 इन टू दी पावर 1/2, इफ यू एड देम यू विल गेट 100 एंड 100 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 2, तो फिर से वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, x टू दी पावर m ब्रैकेट के बाहर n है तो x टू दी पावर m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 1/2 और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, आंसर इज 10। चलते हैं इसी के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 8 टू दी पावर 1/3 प्लस 27 टू दी पावर 1/3 the power 3 out of the bracket and the power 1/4 out of the bracket, right। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 8 होता है स्क्वायर ऑफ 2, क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 2 सॉरी, और ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये होता है क्यूब ऑफ 3, 27 होता है क्यूब ऑफ 3, 1/3 और ये हो गया ब्रैकेट के बाहर 3 और ये हो गया ब्रैकेट 4, ओके। सो ये हो गया 5 इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 और ये हो गया 1/4, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल, सो 5 इंटू ये हो गया 2+3 टू दी पावर 3 और ये हो गया ब्रैकेट के बाहर 1/4, ओके। आगे सॉल्व करते हैं, 2+3 हो जाएगा 5, 5 इंटू हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे 1/4, तो फॉर्मूला लग जाएगा x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n, x टू दी पावर m प्लस n, यहाँ पे 5 का पावर कुछ नहीं है मतलब 5 का पावर 1 है, यहाँ पे 5 का पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 5 टू दी पावर 1+3 और ब्रैकेट के बाहर है पावर 1/4, सो दिस विल बिकम 5 टू दी पावर 4 एंड द होल पावर इज 1/4, फिर से सेम फार्मूला x टू दी पावर m ब्रैकेट के बाहर n और पावर्स आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 4 इंटू 1/4, 4 कैंसल, सो आंसर इज 5, राइट। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने स्क्वायर ऑफ 17 माइनस स्क्वायर ऑफ 8 टू दी पावर 1/2। हेल्पफुल है कि अगर आपको स्क्वायर याद है, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64, सबट्रैक्ट कर देते हैं सिंपली 289 माइनस 64, द आंसर इज 225 और 225 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर, राइट। हमको हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, सेम फार्मूला फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट x टू दी पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर टू दी पावर 1/2 और ये हो गया 2 और 2 कैंसिल, द फाइनल आंसर इज 15, राइट। तो हम चलते हैं अब
इसी के क्वेश्चन नंबर फोर, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर के क्वेश्चन नंबर फोर में, और ये है 1³ + 2³ + 3³⁻⁵5/2। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, राइट। सो हो जाएगा 9 + 27 इज व्हाट 36⁻⁵5/2। और 36 होता है स्क्वायर किसका, 6 का। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे तो 2 इंटू ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6⁻⁵। फॉर्मूला आपको याद होगा x⁻⁻m होता है x⁻⁶ / x⁻⁷m, तो ये हो जाएगा 1/6⁵। अब 6⁵ की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 36 × 36 × 6, आंसर आएगा 1/7776, एंड दिस इज द आंसर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना। और यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर्स विद पॉजिटिव इंडेक्स। तो हमारे सामने क्वेश्चन है 2⁻⁶ × 2⁻⁶ तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 2 × 2, और यहाँ पे हो जाएगा x⁻⁶ × x⁻⁷⁶। 2 × 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a⁻⁷ × a⁻⁴ हो जाएगा a⁻⁷ + n। तो ये हो जाएगा x⁻⁶ + −7/6। सो हियर इट विल बी 4x⁻⁶ – 6, 1 जा 1 जा, तो यहाँ पे हो गया 4│x⁻⁶ – 1, और क्योंकि हमको पावर्स को पॉजिटिव के फॉर्म में लिखना है तो x⁻⁷ होता है 1/x⁻⁷, सो वी कैन राइट दिस एज 4/x। सो दिस इज द आंसर। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने 4√ 1/x⁻⁶ फिर से लिख देते हैं 4√ 1/x⁻⁻½, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर पावर है −2/3। ओके, सो सबसे पहले हम ये जो पावर है यहाँ पे नेगेटिव में है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है a/b⁻⁷ इज व्हाट b/a⁻⁷, और क्योंकि हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4√x⁻½ हो जाएगा ये, राइट। और ब्रैकेट के बाहर −2/3 है ही। अब हमने देखा था फॉर्मूला x⁻⁶ होता है √nth√x⁻⁶। तो देखिए इस फॉर्म में है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x⁻½, और ब्रैकेट के बाहर तो पावर एज इट इज है −2/3, 4 × 1 = 4, 3 = 3, तो ये हो गया x⁻³ और ब्रैकेट के बाहर आ गया −2/3। सो ये हो जाएगा x³ × −2/3, 3 और 3 cancel, तो ये हो गया x⁻²। फिर से फॉर्मूला वही, x⁻⁶ इज व्हाट 1/x⁻⁶, तो ये हो जाएगा 1/x², और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, राइट। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये है a⁻⁷ / 7 / a⁻⁷ / 10/7, राइट। अब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो आपको याद करना ये वाला लॉ, x⁻⁷ / (m)/x⁻⁴, यहाँ पे पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a⁻⁴ / 7 - 10/7, तो ये हो जाएगा a⁻⁶ / 7, 4 − 10 = 6, −6। अब फॉर्मूला फिर से वही, x⁻⁶ is 1/x⁻⁴, तो हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में ऐसे ले सकते हैं 1 बाई
ए टू दी पावर 6/7, दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट 729 टू दी पावर -5/3 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है पावर -1/2। वैसे ही हमारे राइट हैंड साइड पे है 729 -5/3 इंटू -1/2, क्योंकि हमको वेरीफाई करना है तो इसको हम अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इसका राइट हैंड साइड, विच इज 729 -5/3 इंटू -1/2। अब पावर्स को यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -5 इंटू -1 हो जाएगा +5, और 3 टू जा हो जाएगा यहाँ पे 6, बट इसको हम 3 इंटू 2 रहने देते हैं, अच्छा 6 कर लेते हैं, ओके 3 टू जा 6। अब 729 जो होता है वो होता है 3 होता है 9 टू दी पावर 3, ये होता है 9 का क्यूब, 9 टू दी पावर 3, और ब्रैकेट के बाहर आ गया इसमें 5/6, 9 होता है स्क्वायर ऑफ 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 729 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 6, और बाहर है पावर 5/6, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 6 इंटू 5/6, सो 6 एंड 6 गॉट कैंसिल, हमारे पास आ गया आंसर 3 टू दी पावर 5। ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सामने है 729 पावर है -5/3, और उसके बाहर है पावर -1/2। 729 किसका क्यूब होता है, ये होता है 9 का क्यूब, सो हो जाएगा क्यूब ऑफ 9 इंटू -5/3, और ब्रैकेट के बाहर है -1/2, सो ये हो जाएगा 9 टू दी पावर 3 इंटू -5/3, और ये हो गया पावर -1/2, 3 और 3 हो गया कैंसल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 टू दी पावर -5, और ब्रैकेट के बाहर है -1/2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9 टू दी पावर 5 इंटू 1/2, ओके पावर यहां पे भी नेगेटिव है, -5 है, और -5 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा 9 टू दी पावर 5/2। सो ऐसे हमको यहां पे लिखना है, और ये जो 9 है वो होता है 3 का स्क्वायर 5/2, सो वी कैन राइट 3 टू दी पावर 2 इंटू 5/2, 2 कैंसल, आंसर क्या आया 3 टू दी पावर 5। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आया आंसर 3/3 टू दी पावर 5, और हम देखेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए आंसर क्या आया था, तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हुए हमारे सामने आंसर आया था यहां पे देखिए 3 टू दी पावर 5। इसका मतलब दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। यहां पे हमारे सामने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, सॉल्व कैसे करें, राइट हैंड साइड में कुछ और वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है √6 टू दी पावर x-2। क्या हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं, √6 टू दी पावर 0, ओके बात तो वही है, इफ एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहां पे क्या हो गया, बेस आर इक्वल, देयरफोर एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल, सो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको x-2 = 0, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। सिमिलरली चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में, और यह है 3 टू दी पावर 4x, और यहां पे हमारे सामने 81, सो दिस इज 3 टू दी पावर 4x, और हम इसको लिख सकते हैं 81 कैन बी रिटन एज 3 टू दी पावर 4। अब क्योंकि हमारा पहला वर्क है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो बेस है वो सेम होने चाहिए, सो हम ये वाला लॉ यूज कर लेंगे, a-m = 1/a m, सो इस लॉ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
राइट हैंड साइड में 3 टू दी पावर माइनस 4। अगेन सेम स्टेटमेंट हमको लिखना है, बेस आर इक्वल देयरफॉर एक्सपोनेंट विल बी इक्वल, और इस वजह से हम यहां पे लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, राइट। चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने रूट ओवर 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 8। अब यहां पे फॉर्मूला काम आएगा, x टू दी पावर m बाई n इज इक्वल टू होता है nth रूट ऑफ x टू दी पावर m। तो यहाँ पे ये 2 जो है यहाँ पे बेस जो ये क्योंकि स्क्वायर रूट है यहाँ पे मतलब 2 हिडन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x बाई 2 और ये हो गया 2 टू दी पावर 8। अगेन बेस आर इक्वल सो एक्सपोनेंट विल बी इक्वल, फिर से मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, देयरफॉर x बाई 2 इज इक्वल टू 8, तो x हो गया 8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16, राइट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 2 टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ पे तो बेस सेम है नहीं, तो हम इसको सेम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 और ये हो गया 2x माइनस 1। तो ये पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4x माइनस 2। अब बेस आर इक्वल देयरफॉर एक्सपोनेंट विल बी इक्वल, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 2, सो 4x माइनस 2x एंड 1 प्लस 2, सो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3 और वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3 बाई 2, राइट। सो हियर द चैप्टर इज फिनिश्ड और सॉरी एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ब्रेन टीजर ऑफ दिस चैप्टर। Stay tuned with Prachi Foundation. Thank you.